जय हिंद, जय बिहार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग दैनिक जागरण के मुख्य खबर को देखेंगे। तो सबसे बड़ा खबर यही है कि पेम्पा शेरिंग बने निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री। यही है पेम्पा शेरिंग, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगामी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो वो पेम्पा शेरिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले वर्ष सबसे ज़्यादा कर्ज भारत को मिला है, तो ये एक तरह से रिकॉर्ड ही है। अब मुख्य खबर देखिए, मेन हेडलाइन यही है कि 10 दिन में आधे हुए नए केस, मिले 7,494 संक्रमित। इसी के अंदर में देखिए, देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात, कोरोना से जंग में हम लोग कहीं ना कहीं जीत रहे हैं। यहाँ देखिए, जागरण विशेष में क्या दिया गया है, आयुर्वेद पद्धति से दूर हो रहे हैं पोस्ट कोविड समस्याएं। गांव प्रदेशों के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। पंचायतों में मौत की सूचना 24 घंटे में देनी होगी कोर्ट। पटना हाईकोर्ट का फैसला है कि पंचायतों में जितनी मौत हो रही है वो 24 घंटे के अंदर देना होगा, क्योंकि एक्चुअली गांव में जो मरते हैं उनका कोई कारण नहीं बताया जाता था, इस कारण से कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा है। आगे मैं बता दूं आपको, भारत हिम्मत हारने वाला नहीं है, हम लड़ेंगे वो जीतेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। पीएम ने कहा, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है दूसरी लहर का मुकाबला। आगे देख लेते हैं, ये छोटी सी खबर है, अरब सागर से उठा तूफान, 16 को टकराएगा भारतीय तटों से। आगे देखिए, हमास के ठिकाने पर गरजी इजराइल की तोपें, हमला तेज। देखिए, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहीं ना कहीं हो सकती है इस कारण से, जैसा कि अभी दोनों देशों में तनातनी चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस से 52 मरीजों की मौत। तो महाराष्ट्र में जो भी रहते हैं वो सतर्क रहिए, ये ब्लैक फंगस बहुत ही खतरनाक है, कोरोना से 100 गुना खतरनाक है। आगे देखिए, देश में स्पुतनिक वी लगनी शुरू हो गई है। आगे आगे हम लोग देख लेते हैं, प्रदेश में यानी बिहार पटना में प्रदेश 1.16 लाख से अधिक को टीका, इनमें करीब 90,000 18 प्लस वाले। तो बहुत ही अच्छा है कि युवाओं में ये जागरूकता फैल रही है कि उन्हें टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीन। आगे देख बता दूं मैं, पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है, कल ही अकाउंट में आ गया है पैसा। आगे मैं बता दूं, स्कूल भले ही बंद हो बच्चों को मिलेगा मिड डे मील, तो ये भी अच्छी पहल है बिहार सरकार के द्वारा, मिड डे मील के खाना उन्हें मिल जाए। और सबसे बड़ा न्यूज यही पर है कि बिहार पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार पर होगी सुनवाई, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इस न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल करके उसके 5 मई के बहुमत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि संविधान के 102वें संशोधन ने नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EBC घोषित करने के लिए अधिकार छीन लिए हैं। आगे देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि संविधान संशोधन ने SEBC की पहचान और उसकी घोषणा के राज्य सरकारों के अधिकार नहीं छीने थे, और संशोधन में जो 2 प्रावधान जोड़े गए थे वे संघीय ढांचा का उल्लंघन नहीं करते हैं। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द कर दिया गया है। तो इस पे देखिए क्या फैसला होने वाला है, इसके बारे में मैं अगले न्यूज में जरूर बताऊंगा। उसके बाद देखिए, 12वीं व CBSE बोर्ड पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आगे देख लेते हैं, तर्कों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती दलीलें। बहुत सारा दलीलें होती है, अभी क्या हो रहा है कि बहुत कोई वैक्सीन नहीं लेना चाहता, बहुत सारा दलील दिया जाता है कि ये है वो है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग जो है वैक्सीन जरूर लीजिए। आगे बता दूं, अंडा मांस मछली व वाहनों के आवागमन पर रहेगी रोक, यानी इनके जो वाहन है इस पे कोई रोक टोक नहीं होगी। आगे देख लेता, अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पहल तेज हो गया है। पॉजिटिव पाए जाने वाले चिराग दिल्ली में होम क्वारंटाइन। चिराग पासवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है दिल्ली में। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच रहेगा 12 से 16 सप्ताह का अंतर। आगे मैं आपको बता दूं,
कि गांव के उत्पाद को सप्लाई चैन के जरिए मिलेगा बाजार। आगे मैं बता दूं आपको, उलझ सकती है कैदियों की रिहाई, क्योंकि अभी जो है कामकाज बाधित हो गए हैं। अब लोगों को बताया जाएगा कि महामारी से बचाती है प्रकृति। लेकिन लालू यादव का क्या बयान है यहाँ पर, गंगा माँ को बचाएगी यूपी बिहार के लोग। नेक्स्ट देखिए, इस बार अधिक संख्या में बनेंगे बाढ़ राहत शिविर। नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं, संजय सिंह ने कहा। वातावरण को शुद्ध रखने वाले पौधे के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। आगे देख लेते हैं, कांग्रेस बोले कि टीके के लिए सरकार करे ग्लोबल टेंडर। आगे मैं बता दूं, 40 लाख किसानों को सम्मान निधि का इंतजार। कल जो है बहुत सारे को पेमेंट हो चुका है, अभी भी बहुत कोई बाकी होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजनीतिक जगत को विचलित कर ओझल हो गए रमेंद्र कुमार रवि। अब बिहार की सबसे बड़ी समस्या हमेशा खाद रही है, तो बिहार को चाहिए 16 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, देखिए यहाँ लिखा है अमरेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, पटना जागरण में क्या स्पेशल है, हम लोग देख लेते हैं। राज्य में राजधानी सर्वाधिक गर्म 5 डिग्री चढ़ा पारा जो है, कल का दिन बहुत ही गर्मी था। देखिए आगे देखिए, 3 गुना मूल्य पर ब्लैक फंगस इलाज का इंजेक्शन। ये ब्लैक फंगस बहुत ही खतरनाक है, इससे आप बच के रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट देख लेता हूँ, लखीसराय के गांव से बरामद हुआ पटना का अपहृत बालक। आगे मैं दिखा लूँ कि बिहार आने वाली 34 ट्रेनें के बड़े फेरे, यानी उनके अलग जो है बोगी लगा है, किस किस में लग गया है आप लोग तो देख सकते हैं। यहाँ बड़ोदरा से दानापुर जंक्शन के लिए, और बांद्रा टर्मिनल से दानापुर स्पेशल ट्रेन के लिए, गुवाहाटी स्पेशल के लिए, और उसके बाद अहमदाबाद दानापुर स्पेशल, सूरत भागलपुर स्पेशल, अहमदाबाद दानापुर स्पेशल में। अगला देख लेते हैं, कोरोना पोरा को हराना है स्पेशल में, हम क्या देखते हैं कि 6 दिन में 40,707 युवाओं को ले चुके हैं कोरोना का टीका। बहुत ही अच्छी जागरूकता के साथ युवाओं आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, 18 से 45 वर्ष तक महिलाओं के अलग टीकाकरण केंद्र खुलवाए जाएंगे। उसके बाद देखिए, संविदा डॉक्टर के वॉक इन इंटरव्यू में पहुंचे 900 से अधिक लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, 97 वर्षीय गीता देवी ने दी कोरोना को मात। बहुत ही मोटिवेशनल न्यूज है। अब सभी रेल कर्मियों को मिलेगी वैक्सीन, तो अच्छी पहल है, ये चीज बहुत ही पहले हो जाना चाहिए। आगे मैं बता दूं कि राजधानी में 967 नए संक्रमित, 32 की मौतें हो गई है। ये देखिए, सख्ती के बाद बांस घाट पर सस्ती दर पर मिल रही है लकड़ी, तो हर जगह यही है, जबरदस्ती लोगों को लूटा जा रहा है, इस कारण से जो है यहाँ सख्ती दिखाई गई है प्रशासन के द्वारा। आगे देखिए, इंजेक्शन के लिए सीएस कार्यालय में करनी पड़ रही है परिक्रमा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तो आज के क्षेत्रीय न्यूज में इतना ही स्पेशल है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस सीरीज को मैं जारी रखूं या नहीं रखूं इसके बारे में बताइएगा। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।